महिरा शर्मा की अंग्रेजी और उर्दू वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इन दिनों वो अरहान खान से हिंदी के लेसन्स ले रही हैं और साथ ही वो कई बार घर में प्रैक्टिस करती हुई भी नजर आती हैं। लेकिन महिरा शर्मा की हिंदी इतनी खूबसूरत है कि घर वालों को उस पर हंसी आ ही जाती है, क्योंकि वो शब्दों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ देती हैं कि कोई भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जी हाँ, एक बार फिर से महिरा शर्मा अपनी हिंदी की प्रैक्टिस करती हुई नजर आई और उनकी इस प्रैक्टिस पर सभी घर वाले गुदगुदाते हुए दिखे। दरअसल बिग बॉस ने घर वालों के लिए एक चिट्ठी भेजी थी और उस वक्त पर सभी घर वाले इकट्ठे नहीं हुए थे, तो महिरा शर्मा को खुराफात सूझी और हिंदी में घर वालों से बातें करती हुई नजर आई और कहा बिग बॉस से कि बिग बॉस, मधुरिमा तुली सो रही थी तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें सजा दें, क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था तो आपने हमें सजा दी थी। इस पर मधुरिमा कहती है रियली? इस पर महिरा कहती है कि आप ना मेरी बातों को सीरियसली ना लें, क्योंकि मैं फिलहाल मस्ती मजाक में कह रही हूं। और इस दौरान वो बड़े ही उठपटांग अजीबोगरीब शब्दों का हिंदी में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनकी बातों का मतलब यही होता है। वो कहती है पारस छाबरा से कि तुम्हें विभिन्नता से निष्कासित किया जाता है। क्षमा प्रार्थी को वो क्षमा प्रार्थी कहती हुई नजर आती हैं। इस तरीके के कई शब्द होते हैं जो वाकई बेहद फनी होते हैं और पारस छाबरा तो इस पर उनकी चुटकी भी लेते हुए नजर आते हैं। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।